तो आज हम लोग सॉफ्ट ग्रीन प्रीसेट लेके आए हैं लाइटरूम का, जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा। तो इसको प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड लगेगा जो कि वीडियो में है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसका ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। पहले हम लोग को फोटो को लाइटरूम में इंपोर्ट कर लेना है, उसके बाद एक्सपोजर पे हम लोग को आ जाना और एक्सपोजर को -20 रखना है और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को -17 कर लेते हैं। उसके बाद हाइलाइट्स को -100 कर लेना है और शेडोज को +54 रखना है और यहाँ वाइट्स को -98 कर लेना है। और यहाँ पे 98 करने के बाद यहाँ ब्लैक्स पे आना और ब्लैक्स को -51 कर लेना है, +51। और फिर यहाँ कलर्स वाले ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर को +10 कर लेना है और वाइब्रेंस को +64 कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर सैचुरेशन पे आना है, सैचुरेशन को +12 कर लेना है। और यहाँ पे फिर हम लोग को कलर्स वाले ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन में आके हुई को -10 रख लेना है, सैचुरेशन को हम लोग को और प्लस करना है, +21 रख लेना है, लुमिनेंस को 0, फिर ऑरेंज कलर पे आना है, ऑरेंज कलर के हुई को -12 करना है और सैचुरेशन को -31 और लुमिनेंस को +38 रख लेना है। और फिर यहाँ पे येलो कलर पे हम लोग को आना है, इतना करने के बाद येलो कलर के हुई को 34 रख लेना है, +34। और फिर यहाँ पे हम लोग को सैचुरेशन पे आना है इसके, और फिर यहाँ सैचुरेशन को -90 कर लेना है और यहाँ इसके लुमिनेंस को हम लोग को -22 रखना है। और फिर यहाँ पे हम लोग को ग्रीन कलर पे आना है, ग्रीन कलर के हुई को -43 रख लेना है और यहाँ सैचुरेशन को +24 और फिर लुमिनेंस को -32। और फिर सियान कलर पे आना, हम लोग को सियान के हुई को -100 कर देना और सैचुरेशन को -100। फिर यहाँ ब्लू कलर पे आना है, फिर ब्लू कलर के सैचुरेशन को +2 रखना है और लुमिनेंस को -44 कर लेना है। और फिर यहाँ से पर्पल कलर पे आना है, पर्पल कलर के सैचुरेशन को -100 कर देना है और पिंक कलर के सैचुरेशन को -100। फिर यहाँ से डन करना है हम लोग को, फिर यहाँ इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे आना है हम लोग को, फिर इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पर टेक्सचर को हम लोग को बढ़ा लेना है, नहीं सॉरी इस बार कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम लोग को फर्स्ट जो है डॉट उसको हुई को 222 कर लेना है, इसको 222 कर लेते हैं। फिर यहाँ सैचुरेशन को इसको +8 कर लेना है, इसके सैचुरेशन को +8 कर लेते हैं। और फिर ब्लेंडिंग को 100 रखना है और बैलेंस को -61 वो -60 रखते हैं। और फिर यहाँ थर्ड वाले डॉट पे आना है, फिर इसके भी हुई को 237 रखना है और सैचुरेशन को +9 कर लेते हैं। यहाँ ये हो चुका है ना, फिर यहाँ से इसको डन कर देना है, फिर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आना है, फिर इसके टेक्सचर को +16 रखना है और फिर क्लैरिटी को +26 और विग्नीट को -10 रखना है। और फिर यहाँ हाइलाइट्स को 4 कर लेना है और फिर ग्रेन अमाउंट को 2 रखना है। और फिर हम लोग को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आना है, डिटेल्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ शार्पनिंग को +15 कर लेना है, 16, और नॉइज रिडक्शन को भी 16 रखना है हम लोग को, और यहाँ कलर नॉइज रिडक्शन को भी हम लोग को 16 कर लेना है। और यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे रिमूव क्रोमेटिक रेजोल्यूशन को इनेबल कर लेना है। तो अब हम लोग को फोटो जो पूरी तरह से एडिट हो चुकी है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हो सके तो।